हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आईटी स्मार्ट क्लासेस में स्वागत है। और डेली के तरीके आज हम फिर हिस्ट्री, भारतीय इतिहास के आए हुए सवालों का एक संग्रह है, एक नोट से, जो सबके सब बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आ चुके हैं और इनको फिर से एग्जाम्स में घुमा फिरा पूछे जाने के बहुत ही चांस हैं। तो उत्तर प्रदेश पुलिस, इवन SSC GD में भी आने के उतने ही चांस हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं एक एक करके। लगभग इसमें 120-125 सवाल होंगे जिनको हम लोग अभी करने वाले हैं, ठीक है। अब आगे आने वाले बाकी इसमें कुछ सब्जेक्ट्स के, जैसे ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, और IR है, गुड्स एंड ट्रेड है, कॉमर्स एंड ट्रेड है जैसे हो गया। तो ऐसे अन्य एग्जाम्स यानी अन्य सब्जेक्ट्स को हम करा चुके हैं बेटा, सीरीज हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप उनको देख सकते हैं। अब बेटा बात करते हैं आगे हम किसकी, इतिहास की। एक एक करके शुरू करते हैं, ज्यादा समय को खराब नहीं करते हुए। समय बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका भी और मेरा भी, इवन सबका। चलिए बेटा, तो एक तरफ से, और इस पे देखिए जैसे कि PDF मिलेगा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से, और जो बच्चे हमारे यहाँ ऑफलाइन जुड़े उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप है। तो टेलीग्राम चैनल सबके लिए ओपन है, व्हाट्सएप हमारे ऑफलाइन बच्चों के लिए है, और इस PDF में दोनों जगह से आपको PDF सेम मिल जाएगा। ये YouTube का लिंक है, यहाँ से आप YouTube ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बॉटम में आपको टेलीग्राम का भी लिंक मिल जाएगा जिन बच्चों को पास नहीं है। हमारे चैनल पर जाकर, डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ से इसको ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो अब बेटा आते हैं, अब शुरुआत ही कर लेते हैं। अब भारत के निम्नलिखित में से किन स्थानों के बीच महात्मा गांधी के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध नमक मार्च आयोजित किया गया है? भावनगर से दांडी, राजकोट से दांडी, जूनागढ़ से दांडी और अहमदाबाद से दांडी। बेटा दांडी सब में और किस जगह, किन के बीच किया गया, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो बेटा क्या है, अहमदाबाद से दांडी। कहाँ था? अहमदाबाद से दांडी के बीच में नमक यात्रा की बात जो है वो है, ठीक है। और किनके नेतृत्व में वो बेटा? महात्मा गांधी जी। किनके? महात्मा गांधी जी के। भारत के राष्ट्रपिता है महात्मा गांधी। 2 अक्टूबर को इनकी हर वर्ष जयंती मनाई जाती है। स्वामी नारायण अक्षरधाम एक हिंदू मंदिर परिसर है जो भारत के निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? पुणे, बेंगलुरु, मुंबई और दिल्ली। तो अक्षरधाम मंदिर बेटा कहाँ है? दिल्ली में। कहाँ है? दिल्ली, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 झारखंड में किस नेता के नेतृत्व में लड़ा गया था? जयपाल सिंह, चूनाराम महतो, रामनाथ सोरेन और राम भगत। तो बेटा ये जो भारत छोड़ो आंदोलन था 1942 में झारखंड में हुआ, और किस नेता के नेतृत्व में पूछा गया? तो बेटा उन नेता के नाम है क्या? चूनाराम महतो। क्या? चूनाराम महतो। अगला है, निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। चोल वंश एक, उसको ऐसे करते ताकि आपको चारों विकल्प नजर आए। एक साथ चेंज हो रहे तो चलिए दो दो करके देख लेते हैं। चोल वंश एक तमिल राजवंश था जिसने 13वीं शताब्दी तक मुख्य रूप से दक्षिण भारत में शासन किया था। बेटा किसकी बात हो रही है? चोल वंश की, ठीक है। अब इस पे छाटना क्या होगा, आगे लिखा होगा एक सही, दो सही, दो सही, या पहला सही, या दोनों गलत, इस प्रकार से पहला और बाकी जितने सेंटेंस होंगे उनमें से कौन सही कौन गलत, इस प्रकार के प्रश्न होंगे, ठीक है। जैसे फिर है, वह चोल वंश समृद्ध गंगा घाटी में उत्पन्न हुआ था, ठीक। अब आगे आते हैं बेटा, अगले उसमें देखते हैं क्या है। देखिए इन दोनों सेंटेंस के लेके आपके ऑप्शंस क्या हैं। पहला है एक सही और दूसरा सही, दूसरा ऑप्शन एक सही और दूसरा गलत, तीसरा है एक गलत दूसरा सही, फिर दोनों गलत। तो बेटा पहला ऑप्शन इसका सही था, दूसरा जो क्या था वो घाटी वाला चोल वंश का वो गलत जवाब था। देखिए ये गंगा घाटी में समृद्ध नहीं हुआ, ठीक है, ये गलत था, और पहला वाला आपका सही था। इसको देखते हुए इसका सही जवाब कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बेटा? बी नंबर, ठीक है। अब आगे आते हैं सवाल नंबर 5 में।
पांच नंबर सूची एक सूची दो दिए गए, दो सूचियां दी गई, सूची मतलब एक लिस्ट दिया गया, और ये देखिए ठीक है। और इस लिस्ट में देखना ये है 2020 में आया हुआ प्रश्न है ये, अकबर के शासनकाल के निम्नलिखित अधिकारियों की सूची ठीक है में दिए गए संबंधित कर्तव्यों से मिलान कीजिए, मतलब वजीर का क्या हो का क्या काम होता था, शाही परिवार का प्रभारी या न्यायिक विभाग का प्रमुख है, मीर बख्शी का क्या काम होता था, मीर समन का क्या काम होता, प्रमुख काजी का क्या काम होता था, हमको ये देखना ठीक है। इनमें से कौन सही है और कौन गलत है इसकी बात हम चर्चा करेंगे ठीक। तो ऐसे प्रश्नों के लिए हम क्या करेंगे, देखिए वजीर, वजीर का क्या काम होता है, देखिए शाही परिवार का प्रभारी गलत, न्यायिक विभाग का प्रमुख, सैन्य विभाग का प्रमुख और राजस्व विभाग का प्रमुख, अगर आप चेस खेलते होंगे तो अंदाजा लगा सकते हैं। फिर आगे जैसे मीर बख्शी, मीर बख्शी, मीर बख्शी का क्या काम है, शाही परिवार का प्रभारी, क्या काम है, शाही परिवार का प्रभारी, नंबर बी है। अब ऐसे हम लोग देखेंगे नंबर बी में दो नंबर कहाँ पर है, हमें एक ही ऑप्शन दिख रहा है ठीक है। और ए वजीर, वजीर ए, देखिए वजीर का काम क्या कहा, अगर चेस खेलते होंगे तो आप जान सकते हैं, वजीर सैन्य विभाग का बेटा कौन हो गया, प्रमुख, दो हमने ऐसे यूं ही पकड़ लिया। सी नंबर इसमें कहता है मीर समन, मीर समन राजस्व विभाग का जो है प्रमुख होता है, किसका बेटा, राजस्व विभाग का प्रमुख, काजी क्या करता है, शाही परिवार का प्रभारी। इस प्रकार से हमने इसको देखिए क्रैक कर लिया और हो गया था पहले ही उसमें, किससे हो गया था, मीर बख्शी से हो गया था ठीक है। तो बी का सॉरी मीर बख्शी जो था न्यायिक, एक मिनट बी 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 दूसरा मीर बख्शी और पहला वजीर, वजीर सैन ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी, तो वजीर कौन है बेटा, सैन्य का सबसे बड़ा अधिकारी है वजीर, ऑप्शन नंबर डी। अब आगे आते हैं नेक्स्ट में, लेकिन एक मिनट इस पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ये वन मिनट चलो। राजस्व वजीर, वजीर 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 इस प्रकार ठीक है, वजीर तो सैन्य विभाग का अधिकारी, ये बात तो क्लियर हो ठीक है, लेकिन सेना का जो प्रमुख है वो वजीर नहीं कहा जाएगा, वो है क्या बेटा, राजस्व विभाग का। वजीर क्या देखेगा, राजस्व विभाग यानी रिवेन्यू देखेगा, क्या देखेगा, रिवेन्यू। तो वजीर जब रिवेन्यू देखेगा, ए का चार और बाकी और किसी में हमें ए में चार नहीं दिख रहा है। इस प्रकार से बी मीर बख्शी, जो मीर बख्शी है वो सैन्य विभाग है, ये थोड़ा सा गलत हो गया था, मीर बख्शी सैन्य विभाग है। और सी नंबर यानी मीर समन क्या है, ए शाही परिवार, समन मीर समन क्या है, शाही परिवार का प्रभारी हो गया। और फिर आगे आता है डी प्रमुख काजी, प्रमुख काजी जो ये बेटा न्यायिक विभाग देखता है, ये क्या देखता है, न्यायिक विभाग यानी कि लॉ एंड ऑर्डर वाला काम देखता है। अब फिर बचा क्या, वजीर वाला, वजीर बेटा क्या था, राजस्व वाला, रेवेन्यू वाला। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, उसमें से थोड़ा सा कन्फ्यूजन बी वाले में हो गया था। चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट में, ऐसे सवाल में थोड़ा ध्यान देकर, अगर एक मिल गया तो उसे को आपने नहीं ध्यान दिया तो गलती होने के चांसेस बढ़ जाते, जैसे कि अभी हो रही थी। भारत ने जैन मान्यता के अनुसार, किसमें बेटा, जैन मान्यता के अनुसार एक तीर्थकर को एक तीर्थ के संपादक के रूप में परिभाषित किया गया, 24 तीर्थकरों में से पहले कौन है। तो जैन धर्म में बेटा अब तो कितने 24 तीर्थकर हुए हैं, कितने हुए 24, और सबसे पहले की बात की, पहले का नाम क्या था, ऋषभनाथ, क्या नाम था बेटा, ऋषभनाथ। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अलेक्जेंडर ड्यूमा द्वारा लिखी गई, अलेक्जेंडर ड्यूमा द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम बताना है, द श्री मेस्कोटियस, मेस्कोटियर्स है ठीक है, उसके बाद द एडवेंचर ऑफ, ये टॉम सायर गलत है, द फिलहाल तो सही है आपका पहला ही वाला, बाकी को देखने क्या ही नेट थी, द क्या है, डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ रोमन एम्पायर, द ओल्ड मैन एंड द सी। देखिए जो बुक्स हैं या इनके नाम जो दिए गए वो उस समय की कहानी को बयां कर रहे हैं ठीक है, तो वैसे ही नाम है,
कि जो रोमन सरकार था उनका एम्पायर कैसे डिक्लाइन हो रहा था उसके बारे में बता दिया गया। द ओल्ड मैन एंड द सी, द पुराना आदमी, सी सी इन द सेंस समुंदर वाले की बात हो रही है, एडवेंचर ऑफ द टॉम सायर का हो गया। तो इसका जो सही जवाब बेटा क्या है, द श्री मस्केटियर्स। अब आगे बात करते हैं अगला। ब्रिटिश सरकार द्वारा 1927 में भारत में साइमन कमीशन भेजा गया, उसका उद्देश्य क्या था? देखिए साइमन कमीशन क्यों भेजा गया भारत में, उसका उद्देश्य आपको बताना है। तो असहयोग आंदोलन पर कार्रवाई करने के लिए बात हो रही, किस पर? असहयोग आंदोलन पर। दूसरा, हिंदू और मुस्लिम के बीच विवादों को हल करने के लिए, किनके बीच? हिंदू और मुस्लिम के बीच विवादों को हल करने के लिए। तीसरा, भारत सरकार की संरचना में सुधारों के सुझाव हेतु, भारत सरकार की संरचना में सुधारों के सुझाव हेतु। फिर असहयोग आंदोलन के प्रभाव का विश्लेषण करने के लिए। तो बेटा ये जो साइमन कमीशन आया था 1927 में, इसका काम क्या था? भारत सरकार में जो नीतियां चल रही थी इनकी, उनमें कुछ कमियां पाई गई, उसको सुधारने के लिए, ताकि उनका व्यापार सुचारू रूप से चलता रहे। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं बेटा अगले प्रश्न पे, सवाल नंबर 9। भारत में निम्नलिखित में से किस पूर्व प्रधानमंत्री द्वारा, पूर्व प्रधानमंत्री की बात हो रही है, पिछले प्रधानमंत्री की बात हो, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी गई? राजीव गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो बुक है बेटा, ये लिखी गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया साहित्यकार है? डॉन ऑफ द वेदास, क्या है? डॉन ऑफ द वेदास, द ओरायन, फिर यंग इंडिया, द कॉल टू यंग इंडिया। तो अगला जो है बेटा क्या है, द ओरायन। फिर योग का वर्णन निम्नलिखित में से किस वेद में किया गया? योग की बात हो रही, देखिए अथर्वेद ना बड़ा ही जादू टोना वाला पार्ट है। उसके बाद अब बात हो रही योग वाला, ठीक है। अब योग का वर्णन जो एक्सरसाइज, आजकल योग को कितना प्रमोट किया जा रहा है, आप इस बात को समझे। और योग गुरु कौन है प्रेजेंट टाइम पर? बाबा रामदेव। शुरुआत किसने की? विवेकानंद जी ने की। तो ऐसे चीजों को पूछा जा रहा है, ठीक है। अब योग का वर्णन किसमें? सामवेद, ऋग्वेद, अथर्वेद और यजुर्वेद। तो बेटा योग की जो बात हो रही किसमें होगी? अथर्वेद में। किसमें होगी? अथर्वेद में। अब फिर अगला प्रश्न है सूचियां, ठीक है। स्मारकों के नाम और साथ में दिए गए ऐतिहासिक हस्तियों के नाम, कमेल के जिनका निर्माण कराया, सूची एक सूची दो। ये थोड़ा सा मिस्टेक अगले पेज में चला गया है, कोई बात नहीं। जैसे लाल किला किसने बनाया, चार मीनार किसने बनाया और लाल बाग किसने बनाया, इस प्रकार से हम उनको इनको जवाब देने, ठीक है। ऐसे लाल किला किसने बनाया, सुल्तान हैदर अली हैं या राजा गिरिराज शाह हैं, फिर जैसे चार मीनार, अब चार मीनार को किसने बनाया, मोहम्मद अली कुतुब शाह, ठीक है। तो हम ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे चार मीनार बी का तीन कहाँ मिलेगा हमें, देखिए ऐसे एलिमेंटरी से चेक करते हैं, बी का तीन यहाँ है और बी का तीन यहाँ भी है, ठीक। अब ये यहाँ पर तीन नहीं, यानी ये गलत हो गया, और इसमें बी में तीन नहीं था, ये गलत हो गया। अब बात आती लाल किला की, तो बेटा लाल किला जो है राजा धीराज शाहजहां ने बनाया था, यानी कि दूसरा नंबर, ठीक। अब ए में दूसरा किसमें है, इसमें है किसमें, इसमें है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो गया। अगर आपको एक या दो भी पता है तो आप हम क्रॉस चेक कैसे करा सकते हैं। अब फिर आगे आते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक किस राजवंश का संस्थापक था? लोदी वंश, तुगलक वंश, गुलाब वंश या खिलजी वंश? कुतुबुद्दीन ऐबक की बात हो रही बेटा, तो कुतुबुद्दीन ऐबक किस राजवंश का संस्थापक था, इस बात पर ध्यान दें, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक, और ये सब मुगल शासकों की बात हो रही बेटा, किसकी? मुगल शासकों की।
ठीक है, लोधी वंश, तुगलक वंश, गुलाम वंश, मोदी वंश, तुगलक वंश, सॉरी लोधी, लोधी वंश, तुगलक वंश, गुलाम वंश और खिलजी वंश। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या कहा था, गुलाम वंश का, गुलाम वंश इन द सेंस नाम जैसा है वैसे ही गुलाम। इनको मामलूक वंश भी कहा जाता। दूसरा क्या था इनका नाम, मामलूक, मामलूक, मामलुक वंश के नाम से भी इसको जाना जाता। ठीक है बेटा, आगे आते हैं। उत्तर प्रदेश के नौटंकी, रासलीला, कजरी, झोरा, झपेली और जैता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, लोक नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है, लोक चित्रकला है या प्रसिद्ध मेला है। अब इनमें से इसको बताना कि ये क्या क्या है, लोक नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है, लोक नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है। देखिए शास्त्रीय नृत्य की बात आ गई थी तो बेटा इनकी संख्या 9 है, जो कि इनमें से कुछ भी ऐसा नहीं है, तो ये तो पहले ही कट हो गया। लोक चित्रकला, ये कजरी, कजरी है, झोरा है, झपेली, सब रासलीला, नौटंकी, क्या चित्रकला हो सकता है, नहीं हो सकता है। प्रसिद्ध मेला, अब नौटंकी कोई मेला तो नहीं होता है, और नौटंकी या रासलीला कोई मेला नहीं होता, ये भी कट हो गया। बचा क्या बेटा, लोक नृत्य, अगर नहीं भी पता था तो बाकी चीजों से हम इसको निकाल सकते हैं, और अगर पता है तो मच बेटर, देन यू कैन फाइंड द आंसर विद इन सेकेंड। आगे सवाल यानी क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रसिद्ध पुस्तक द कैलकटा क्रोमोसोम, क्रोमोसोम निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखा गया है, जेरी पिंटो, जेरी पिंटो, मार्गरेट एडवुड और अमिताभ घोष और जोनाथन स्ट्राइड, जोनाथन स्ट्राइड। तो बेटा किसके द्वारा लिखा गया ये पुस्तक, देखिए नाम को देखकर ये मैं सोचिएगा किसी फॉरेनर ने लिखा होगा, ठीक है। इनके जो राइटर है बेटा अमिताभ घोष है। कौन है, अमिताभ घोष। ठीक, नहीं आता तो छोड़ दीजिएगा, गलत मत कीजिएगा, एक के नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इतिहासकारों के अनुसार निम्नलिखित में से किसे दिल्ली का पहला सुल्तान माना जाता है, महमूद गजनवी, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी और आराम शाह, इनमें से कौन है, इनमें से कौन है जो बेटा कहाँ का, दिल्ली का पहला सुल्तान माना जाता है। पहले सुल्तान की बात हो तो सुल्तान बेटा कौन है, मामलुक वंश का कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी कि गुलाम वंश का कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन सा वंश था बेटा, गुलाम वंश या मामलुक वंश। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन मध्य प्रदेश में स्थित यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में से एक नहीं है कहा जा रहा है, तो कहाँ, मध्य प्रदेश की बात हो रही है बेटा, ठीक है, और विश्व धरोहर में शामिल नहीं है, जैसे खजुराहो का स्मारक, हम्पी स्मारक समूह, सांची का बौद्ध स्मारक और भीमबेटका शैलाश्रय। तो इनमें से बेटा क्या नहीं है, कहाँ की बात हो रही है, यूनेस्को में शामिल है और कहाँ, मध्य प्रदेश में नहीं है कहा जा रहा, कहाँ पर, मध्य प्रदेश में नहीं है कहा जा रहा। तो ये हम्पी का स्मारक जो है कहाँ का, हम्पी का स्मारक समूह यहाँ पर नहीं है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, निम्नलिखित में से किस दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, राष्ट्रीय एकता दिवस की बात हो रही है, तो बेटा कौन सा, 21 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 31 अक्टूबर और 21 जून। तो 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 19, 1919 से 1913 में हुए ताना भगत आंदोलन के नेता कौन थे, कौन सा, ताना भगत आंदोलन, ताना भगत आंदोलन, जयपाल सिंह, सुखदेव सिंह और जतरा भगत और महिपाल जगत राणा, और महिपाल जगत राणा। बेटा इसके नेता जो कौन थे, जतरा भगत, कौन थे, जतरा भगत। निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें, निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। अब फिर से ये देखिए 2020 में ऐसे इस टाइम काफी सवाल आए हुए हैं, जैसे वोबिली वीड़ा कर्नाटक शास्त्रीय संगीत में इस्तेमाल किया जाने वाला एक बृहद खिंचाव वाला तंतु वाद्य यंत्र है, तंतु वाद्य यंत्र है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं, अब तंतु वाद्य यंत्र, फिर अगली लाइन है क्या बेटा, वोबिली वीड़ा को आमतौर पर, वोबिली वीड़ा को आमतौर पर
नेक्स्ट है, हाँ, आमतौर पर एकड़ा बीड़ा के रूप में जाना जाता है क्योंकि वे लकड़ी, क्योंकि वे क्या है, लकड़ी के एक टुकड़े से बनाए जाते हैं। किससे? लकड़ी के एक टुकड़े से बनाए जाते हैं। अगला, अब बताना ये इनमें से कौन सही है कौन गलत है, कौन सही और कौन गलत है। जैसे ए नंबर एक सही, ए नंबर एक सही और दो सही, यानी कि दोनों सही। फिर आता है एक सही और दूसरा गलत, फिर आता है पहला गलत और दूसरा सही, फिर आता है दोनों ही गलत। तो बेटा इसका जो सही जवाब है, इसका जो सही जवाब है वो क्या है, सही एक है और सही दो है, सही एक है और सही दो, अर्थात दोनों के दोनों सही हैं, दोनों के दोनों सही हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो गया। ठीक, ऐसे प्रश्नों को बड़ा ध्यान से करें बेटा, ज्यादा बड़े तो नहीं होते हैं, पर जितना होता समय थोड़ा टाइम टेकिंग होता आपको पता होना चाहिए। फिर है सवाल नंबर 21 है अगला, 1831 में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू यानी कि राजस्व विभाग की बात हो रही है, उत्तर प्रदेश की स्थापना कहाँ की गई, मतलब 1831 में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उत्तर प्रदेश की स्थापना कहाँ की गई। लखनऊ, इलाहाबाद, बरेली और रामपुर। लखनऊ, इलाहाबाद, बरेली और रामपुर। तो बेटा इसका जवाब क्या है, इलाहाबाद। इलाहाबाद जो वर्तमान में प्रयागराज के नाम से अब जाना जाता है। ठीक है, संगम नगरी भी इसी को कहते हैं। क्या? संगम नगरी भी इसी को कहते हैं। फिर है पटक्कल, पटडक्कल, वैसे है दो डबल था, पटडक्कल स्मारक जो भारत के स्थापत्य रूपों के लिए प्रसिद्ध है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। केरल, नाम समझ जाए किधर का होगा, और सबके सब देखे साउथ के भी हैं, सबके सब कहाँ के हैं, साउथ के भी नाम दे रखे हैं। जैसे जैसे क्या, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और तेलंगाना। तो बेटा सही जवाब क्या है इसका, कर्नाटक। क्या है? कर्नाटक, इंग्लिश में कर्नाटका भी कह सकते हैं। अब आगे नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन है आपका सवाल नंबर 23, लखनऊ घराना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, संगीत और नृत्य, हथकरघा, साहित्य और अनुष्ठान। अनुष्ठान क्या बेटा, अनुष्ठान। तो घराना की जब बात की जाए और लखनऊ घराना की बात की जाए, तो ये गाने और बजाने नाचने से संबंधित है, संगीत और नृत्य। उड़ीसा में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण करवाने वाला शासक निम्नलिखित राजवंशों में से किससे संबंधित है। सूर्य मंदिर कहाँ है बेटा, उड़ीसा, कोणार्क। तो किस राजवंश के शासक ने इसका निर्माण कराया था, ये पूछा जा रहा है। चोल राजवंश, पल्लव राजवंश, कदम राजवंश और गंग राजवंश। तो बेटा कौन थे ये, गंग राजवंश। कौन? गंग राजवंश। अगला है ढोलू कुनीता, ढोलू कुनीता भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है, तमिलनाडु, केरल, बिहार और कर्नाटक। तमिलनाडु, केरल, बिहार और कर्नाटक। ठीक है, और क्या है, ढोलू कुनीता है क्या, ये लोक नृत्य बेटा, शास्त्रीय नृत्य नहीं, क्या है, लोक नृत्य। तो ये बेटा कर्नाटक राज्य का, कहाँ का है, कर्नाटक राज्य का। पाकिस्तान के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर निम्नलिखित में से कौन सा है। तो ऐसे ये कहाँ का आ गया प्रश्न, प्राचीन भारत के इतिहास सिंधु सभ्यता से आपको पूछ दिया गया। कहाँ से? सिंधु सभ्यता से। मोहन, अब वो जो नगर है कौन कौन से, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा और लोयल, लोथल होना चाहिए बेटा, है क्या लोथल, क्या नाम था इसका, लोथल। ठीक, अब देखते हैं, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, लोथल, पास पास मात्र लगे। हाँ, अरे सही कर दें इसको। लोथल, आलमगीरपुर, लोथल और आलमगीरपुर कहाँ, सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख नगर, और किस नदी के तट पर है,
सिंधु नदी पर, पाकिस्तान की किस जगह जिले में, लरकाना जिले की बात हो रही है। तो कौन सा बेटा, मोहन जोदाड़ो, यानी कि मोहन जोदड़ो या जोदाड़ो दोनों चीज है। इस पर एक मूवी बनी है, ठीक है। तो ये कहाँ पर है, सबसे बड़ा बृहत स्नानागार, सबसे बड़ा बृहत स्नानागार कहाँ से मिला, मोहन जोदाड़ो से। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक, रोविन क्या लिखा, हाँ रोहिंगटन, रोहिंगटन मिस्त्री द्वारा लिखी गई, सबसे कौन सी पुस्तक कहा जाए, प्रसिद्ध नहीं, इनके द्वारा लिखी गई। इंग्लिश अस्त, क्या नाम है, इंग्लिश अस्त, अवर मूल हैज ब्लड क्लाइट्स। फिर है सीरियस मैन, द फाइल बैलेंस, द फाइल बैलेंस, तो सॉरी ए फाइल बैलेंस है। तो बेटा इनके द्वारा जो लिखी गई थी पुस्तक यही ए फाइल बैलेंस, अ फाइल बैलेंस। मुगल सम्राट जहांगीर ने, ब्लैक यहाँ पर स्पेस होगा ठीक है, मैं किस जगह के नाम पूछ रहा है, मैं शालीमार बाग का निर्माण कराया। मुगल सम्राट थे कौन, जहांगीर ने, दिल्ली, बलूचिस्तान, अवध और कश्मीर, दिल्ली, बलूचिस्तान, अवध और कश्मीर, मतलब कहाँ कराया ये पूछा जाए, कहाँ कराया ये पूछे, तो कौन, जहांगीर ने, तो कहाँ कराया बेटा, कश्मीर में कराया था, कहाँ, कश्मीर में। आगे वार्षिक भारतीय शास्त्रीय संगीत समारोह, सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव, ठीक है, सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव, ऐसे ही डायरेक्ट ये भीमसेन महोत्सव के नाम से पूछा जा सकता है। कहाँ आयोजित किया जाता है, जगह का नाम पूछ रहा, पुणे, पुणे, मैसूर, ये मैसूर लिख गया, मैसूर है, मैसूर, कानपुर और उदयपुर। तो कौन सा, वार्षिक भारतीय शास्त्रीय संगीत समारोह, आर्ट एंड कल्चर का बेटा पार्ट है, किसका है, आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है। और ये कहाँ पर क्या किया जा रहा है, मनाया जाता है, कहाँ पर मनाया जाता है, और प्रतिवर्ष की ये किया जाता है बेटा, कहाँ किया था, पुणे में, कहाँ किया था, पुणे में। वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता यानी किस नदी के तट पर है, किस नदी के तट पर विकसित हुई वैदिक सभ्यता, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा और सरस्वती, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा और सरस्वती, तो ये जो है सरस्वती नदी के तट पर ये विकसित हुई है। अब आगे बात करते हैं अगले प्रश्न में, अगला है प्रश्न संख्या 21, सॉरी 31 है, कैसे लिखा हुआ आगे पीछे। 1658 ईस्वी में बहादुरपुर में युद्ध में, बहादुरपुर के युद्ध में शाहजहां के दूसरे बेटे शाह सुजा को जहां शाहजहां के पोते ने हराया था। तो पूछा क्या गया कि दूसरे बेटे शाह सुजा को शाह के पोते ने हराया था 1900, क्या पूछ दिया इसमें भाई, क्या ऑप्शन क्या है, अच्छा उसका नाम पूछा बेटा, ठीक है कौन है वो, मुराद बख्श, सुलेमान, सिको, आलम शाह और बहादुर शाह, आलम शाह और बहादुर शाह, तो बेटा क्या जवाब, बहादुर शाह, क्या है, बहादुर शाह, ठीक नाम पूछ दिया था इसमें। कौन सा कथन, सॉरी कौन सा कथक घराना, कथक घराना, कथक या कथक घराना, ठीक है, उस नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर आधारित, सॉरी पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है। कथक घराना जो है, जयपुर, बनारस, लखनऊ, बरेली, जयपुर, बनारस, लखनऊ और क्या है, हाँ बरेली है, तो बेटा क्या है, बनारस घराना जो है कथक, कथक जो है जो नृत्य है उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य, उत्तर प्रदेश का क्या है, शास्त्रीय नृत्य। अब आगे आते हैं प्रश्न संख्या 33 यानी 33 पर, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य रामायण में भगवत, सॉरी भगवान श्री राम अयोध्या के शासक थे, जो की राजधानी थी कहाँ की, अयोध्या, कहाँ की राजधानी, हस्तिनापुर, कुरु, कलिंग और कोसल, ये 16 महाजनपदों में से एक है, 16 महाजनपदों में से एक है, और उसके बारे में इनके भी नाम पूछता है, कौन सा नाम है, उसके शासक कौन है, इसका पूरा सीरीज हमारे हिस्ट्री वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ है, आप वहां से इसका पूरा वीडियो साथ पूरे 16 महाजनपद मैप के द्वारा बताया हुआ है, और वहां के कौन शासक हैं, राजधानी क्या, ये भी बताया गया है, वहां से आप इसको देख लें।
तो बेटा क्या है, किसकी राजधानी? कोसल। क्या है? कोसल की राजधानी थी। चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताएं जिन्होंने 298 से 272 ईसा पूर्व के बीच शासन किया था और संपूर्ण भारत में साम्राज्य को बढ़ाया था। हर्षवर्धन, अनिरुद्ध, बिंदुसार और वासुदेव। हर्षवर्धन, अनिरुद्ध, बिंदुसार, क्या नाम? बिंदुसार और वासुदेव। कब की बात हो रही है? 1998 से 272, 1972 ईसा पूर्व बेटा, ईसा पूर्व यानी एक सन से पहले की बात। तो ये बेटा कौन है? बिंदुसार। कौन है बेटा? बिंदुसार। बिंदुसार थे कौन? चंद्रगुप्त के पुत्र। किसके पुत्र? चंद्रगुप्त के। अब आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 35। मेखेला चादर यह राज्य की महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला पारंपरिक वस्त्र है। मतलब किस राज्य की महिलाओं द्वारा पहना जाता है मेखेला चादर, ठीक है? और पारंपरिक, पारंपरिक क्या है बेटा? वस्त्र उनका पहने जाने वाला है, ट्रेडिशनल उनका है, ठीक है? गुजरात, तमिलनाडु, गोवा और असम। तो बेटा कहाँ का ये? असम की जो महिलाएं, कहाँ की? असम की, असम या असम की महिलाएं इसको पहनती हैं, ठीक। अगला है, रविंद्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रगान लिखा था? किस देश का? भारत देश की बात तो नहीं कर रहे बेटा, किसकी? भारत देश की बात नहीं कर रहे हैं। तो इन्होंने लिखा था चीन, म्यांमार, भूटान या बांग्लादेश। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रगान जो लिखा है बांग्लादेश के लिए लिखा है, बांग्लादेश के लिए लिखा है। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा है? आंसर इन कमेंट, ठीक है? भारत का राष्ट्रगान। अगला प्रश्न, अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता, ठीक, छाप, तिलक सब छीनी, किस भाषा में है? अमीर खुसरो द्वारा लिखित, किसके द्वारा बेटा? अमीर खुसरो द्वारा लिखित किस भाषा में है? भोजपुरी, खड़ी बोली, अथर्ववेद, उर्दू। ये तो तीनों जवाब नहीं। तो बेटा इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन सा है, क्योंकि अथर्ववेद लिखा, बाकी तीन जो है ये अवधि होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? अवधि भाषा में, किसमें? अवधि भाषा में, ठीक है? अथर्ववेद गलत है, मिसप्रिंट होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब। निर्माण के पश्चात आजाद क्षेत्र में कार्यवाही हिंद फौज अंग्रेजी भारतीय सेना के विरुद्ध, मतलब स्पेस कार्य कर रही थी ये, वो है तो वो कहां पर? बलूचिस्तान, सियाचिन, सिक्किम, इम्फाल, कोहिमा। आजाद हिंद फौज, कौन सी हिंद फौज अंग्रेजी, उसकी बात हो रही, कहां पर काम कर रहे थे बेटा? इम्फाल और कोहिमा। इम्फाल की राजधानी क्या बेटा? कोहिमा, ठीक है? इम्फाल, मणिपुर, इम्फाल और कोहिमा। कोहिमा कहाँ की है? नागालैंड, ठीक, उस क्षेत्र में ये काम कर रहे थे। अब आगे आते हैं, राजधानी है बेटा, ठीक से याद करें, बहुत अक्सर पूछा जाता है। सीट ठीक, थोड़ा गड़बड़ बनी है आगे पीछे। जब महात्मा गांधी को रेलगाड़ी से जबरन उतारा गया तब वे दक्षिण अफ्रीका में कहाँ जा रहे थे? ये पूछा जा रहा है, महात्मा गांधी को वहां ट्रेन से उतार दिया गया था, उस समय वो कहां जा रहे थे? ऑप्शन, प्रिटोरिया, जोहान्सबर्ग, केप टाउन और डरबन। कहां जा रहे थे? प्रिटोरिया, जोहान्सबर्ग, केप टाउन और डरबन। तो बेटा वो प्रिटोरिया जा रहे थे। कहां जा रहे थे? प्रिटोरिया जा रहे थे। निम्नलिखित में से नृत्य का कौन सा प्रकार असम से संबंधित है? असम से, असम में कौन सा नृत्य? कथकली है नहीं, नौटंकी है नहीं, गरबा है नहीं, क्या बच्चा बेटा? बीह है। क्या बच्चा? बीह जो नृत्य है वो कहाँ से? असम, ठीक है? अब आगे, मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी जो वर्तमान में जाना जाता है। मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी जो वर्तमान में जाना जाता है, किस नाम से? अब वो देखते हैं, पश्चिम बंगाल, ठीक है? सवाल फिर, पंजाब, बिहार और आंध्र प्रदेश। मौर्य वंश की स्थापना मगध में हुई थी जो वर्तमान में जाना जाता है, के नाम से? ये गलत लिखा हुआ।
तो मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी, जो वर्तमान में जाना जाता है। मगध राज्य यानी वर्तमान में अब किस नाम से जाना जाता है, ये बात कही जा रही है। अच्छा, अभी जो सीट थी बाय मिस्टेक गलत सीट ओपन हो गए थे, उस पर प्रश्न ऊपर नीचे आ रहा, किसी का प्रश्न यहाँ फिर ऑप्शन अगले पेज पे जा रहा, दिक्कत हो रही थी पढ़ने में और समझने में। जस्ट अभी चेंज करवा दी, गलती से ओपन हो गया था, वो टेक्निकल टीम के काम है। तो मौर्य वंश का जो आप वो जो है मगध, अब किस नाम से जाना जाता है ये पूछ रहा है, मतलब वो राज्य अब वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, पश्चिम बंगाल, पंजाब, बिहार और आंध्र प्रदेश। तो मगध को बेटा अब वर्तमान में क्या कहते हैं, बिहार। क्या कहते हैं, बिहार। कवि संत कबीर का जन्म और पालन पोषण किस शहर में हुआ, किसका, कवि संत कबीर का जन्म और पालन पोषण कानपुर, मथुरा, वाराणसी और अयोध्या। और अयोध्या, तो कवि जो संत कबीर जी हैं, संत कबीर जी इनका जो जन्म है बेटा वाराणसी में, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ है। लखनऊ घराने की नींव उस्ताद द्वारा रखी गई, उनका नाम पूछ जा रहा, बड़े गुलाम अली खान, बड़े गुलाम अली खान, खुसू खान, बिस्मिल्ला खान और अमजद अली खान, और अमजद अली खान। तो बेटा इनका नाम क्या है जिन्होंने लखनऊ घराने की जो नींव रखी, खुसू खान। क्या नाम है, खुसू खान। भारत में कथक नृत्य के यकी एक शास्त्राज्ञ हैं, सोनल मानसिंह, मल्लिका साराभाई, पंडित बिरजू महाराज और उदय शंकर। तो पंडित बिरजू महाराज बेटा कथक के बहुत ही फेमस कलाकार हैं, जिनका नाम बहुत सुर्खियों में रहता है। ठीक है, अब आते हैं बेटा अगले प्रश्न पर, स्क्रॉल करते हैं इस पेज को, नेक्स्ट पेज है 14 नंबर। ठीक है, माई पैसेज फ्रॉम इंडिया द्वारा लिखी गई एक किताब, मतलब किनके द्वारा, स्पेस की बात है, थोड़ा सा गड़बड़ी है स्पेस है यहाँ पे। तो उनके नाम बेटा मुल्क राज आनंद, एडवर्ड मार्गन फास्टर और विद्यासागर सूरज प्रसाद नायपाल और इस्माइल मर्चेंट, और इस्माइल मर्चेंट। तो इस्माइल होना चाहिए बेटा वैसे, इस्माइल मर्चेंट। ठीक है, आगे शिवाजी के छोटे बेटे का नाम बताएं जो तीसरे छत्रपति थे, शिवाजी के छोटे बेटे जो तीसरे छत्रपति थे, राजा राम, दूसरा संभाजी, साहू और बाजी राव। तो बेटा राजा राम जो इनके छोटे बेटे का नाम क्या था, राजा राम, और ये तीसरे छत्रपति थे। ओडिशा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य है, ओडिशा से प्राचीन लोक नृत्य क्या, ऑप्शन है पुतिकली, राउत नाच, डॉक्टर कुनीता, ये कैसा नृत्य है, कुछ और नाम होगा बेटा यहाँ पे, और फिर है ऑप्शन नंबर डी मुरा, ऑप्शन नंबर डी फिर क्या है, मुरा। ठीक है, क्या है डी ऑप्शन नंबर, मुरा। तो बेटा इसका जो नाम है, ये जो नृत्य है बेटा मुरा है, बाकी ये ऑप्शन के नाम कुछ और होगा, यहाँ पे गलती से लिखा है। अगला आता है काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना राम प्रसाद बिस्मिल और किसने की थी, राम प्रसाद बिस्मिल ने और किसने की थी। तो ये स्पेस इधर होना चाहिए था, बड़ा गलतियां इसमें भी हैं, खुदी राम बोस, शिवराम राजगुरु, अशफाकुल्ला खां और यतीन्द्रनाथ दास, और यतीन्द्रनाथ दास। तो बेटा किसने किया था, राम प्रसाद बिस्मिल थे इसमें और अशफाकुल्ला खां, अशफाकुल्ला खां। ठीक है, इन लोगों ने मिलकर किया था काकोरी कांड में रेल गाड़ी की लूटपाट का काम। अब आगे आते हैं अगले प्रश्न पे, हवा महल 1799 में महाराजा द्वारा बनवाया गया था, बेटा कौन महाराजा था ये पूछा जा रहा है। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान, राय बुलर भट्टी और सवाई प्रताप सिंह, रानी पद्मिनी। तो सवाई प्रताप सिंह के द्वारा बनवाया गया हवा महल। अब आगे बहु बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश में स्थित है, बहु बेगम लखनऊ, आगरा, फतेहपुर सीकरी और क्या, फैजाबाद। तो बहु बेगम का मकबरा जो बेटा कहाँ, फैजाबाद में उत्तर प्रदेश के। विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई कौन सी किताब एक कविता के रूप में 10 नीति कथाओं का संग्रह है, इन इक्वल म्यूजिक, बिलिस्टली सॉरी बिस्टली टेल्स और द रिवर्थ अर्थ, समर रेक्चिम और क्या, समर रेक्चिम।
इसकी किताब कौन सी बेटा? बीस्टली टेल्स। क्या है? बीस्टली टेल्स, स्वतंत्रता संग्राम। 1857 का सिपाही विद्रोह किस शहर में हुआ था? झांसी, हैदराबाद, दिल्ली और मेरठ। तो बेटा उत्तर प्रदेश के मेरठ में हुआ था सिपाही विद्रोह। क्या हुआ था? सिपाही विद्रोह। वो क्या था? कारतूसों में जो है सुअर की चर्बी से बने कारतूस थे जिनको मुंह से खोलना पड़ता, इस वजह से ये विद्रोह हुआ था और चरम सीमा था। और आजादी की नींव का जो शुरुआत है आंदोलन यहाँ से भी बहुत तेज उठा था। अब आगे बात करते हैं, यहाँ इस आंदोलन के बाद अंग्रेजों को अपनी जो है क्षमता कम लगने लगी कि अब भारत में शासन करना मुश्किल हो रहा है। फिर आगे आगे सवाल नंबर 53, भारत के पहले हिंदी भाषा के अखबार का नाम बताएं जिसे पहली बार 30 मई 1826 को प्रकाशित किया गया। पहला हिंदी भाषा अखबार किस भाषा में? हिंदी भाषा अखबार की बात हो रही है, तो उसका नाम क्या? दैनिक भास्कर, उदंत मार्तंड और फिर पत्रिका और देशबंधु। उदंत मार्तंड जो है ये पहला हिंदी भाषा था। फिर है उम्मेद भवन पैलेस किस शहर में है? उम्मीद भवन उदयपुर, जोधपुर, मैसूर और जयपुर। मैसूर और जयपुर, देखिए नाम कितने करीब करीब आपको दे दिए हैं, ठीक है। तो बेटा कहाँ पर है ये? जोधपुर, जयपुर का नाम जोधपुर में है। अगला, वर्ष 1773 से 1785 तक वस्तुतः भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? 1773 से 85 तक भारत के पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड मिंटो और जॉर्ज वाटसन, विलियम जॉर्ज वॉकर। देखिए इसमें एक चीज और आपको खुद ही प्रश्न में बता दिया गया कि किस वर्ष से जो है भारत के पहले गवर्नर जनरल का पद दिया गया, ठीक। तो वर्ष आपको यहाँ से पता चल जाएगा और उनका नाम बेटा क्या है? वॉरेन हेस्टिंग, वॉरेन हेस्टिंग। वर्ष 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना की बात हो रही है, किसने किया था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और जोनाथन डंकन, सर विलियम योर, सर विलियम योर और मदन मोहन मालवीय। तो बेटा किसने किया था? सर विलियम योर ने, ठीक। अगला प्रश्न, मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? कानपुर, आरामपुर, गाजियाबाद और वाराणसी। तो मुंशी प्रेमचंद की बात हो रही बेटा कि इनका जन्म कहाँ हुआ था? मुंशी प्रेमचंद बहुत ही प्रसिद्ध हिंदी के लेखक हैं और इनका जन्म हुआ था बेटा उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। कुछ डाउटफुल, वाराणसी मुंशी प्रेमचंद, संदेह लग रहा है इसमें, गलत है कुछ। तो ये वाराणसी है बेटा, कंफ्यूज मत हो, आप लोग तो बड़ा जरा जरा फिर डरने लगते हैं कैसा हो गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं अगला। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश सबसे पुराना विश्वविद्यालय? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी विद्यापीठ, इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय। तो सबसे पुराना विश्वविद्यालय की बात हो, इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय सबसे पुराना विश्वविद्यालय है उत्तर प्रदेश का। भारत में ब्रिटिश शासन का बड़े पैमाने पर विस्तार सहायक संधियों के माध्यम से हुआ जो गवर्नर जनरल के शासन काल में शुरू की गई, ठीक है। अब किसके साथ किया, मतलब गवर्नर जनरल कौन थे ये बात हो रही है, गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेजली और लॉर्ड क्लाइव, और लॉर्ड क्लाइव। तो बेटा कौन थे ये? लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड वेलेजली। फिर अगला, गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरु की संस्था समाप्त हो गई और सिखों का नेतृत्व उनके विश्वसनीय शिष्य को सौंप दिया गया। तो बेटा कौन थे ये पूछा जा रहा, तो वो कौन थे ये पूछा जा रहा, रणजीत सिंह, बंदा बहादुर और अजीत सिंह और जुझार सिंह, अजीत सिंह और जुझार सिंह। तो बेटा वो कौन थे? बंदा बहादुर भी नाम आ जाता कहीं कहीं, सब थोड़ा सा नाम है। पाकिस्तान नाम सबसे पहले किसके द्वारा गढ़ा गया या लिया गया था? मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद अली जिन्ना, चौधरी रहमत अली और मौलाना आजाद।
पाकिस्तान नाम किसने दिया बेटा? चौधरी रहमत अली। कौन है बेटा? चौधरी रहमत अली। इन्होंने पाकिस्तान को पाकिस्तान कहा। अब आगे 62। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को यानी के विरोध में छोड़ दिया। किसके विरोध में? कैबिनेट मिशन, जलियांवाला बाग, नरसंहार, रॉलेट एक्ट और साइमन कमीशन। रविंद्रनाथ टैगोर की बात हो रही है तो जलियांवाला बाग का जो नरसंहार था उसके विरोध में इन्होंने अपनी इस उपाधि को, नाइटहुड की उपाधि को छोड़ दिया था। महाराजा सवाई सिंह, सवाई जय सिंह यानी जय सिंह द्वितीय ने किस जगह पर खगोली वेदशाला स्थापित की? उज्जैन, शिमला, भरतपुर और जयपुर। तो महाराजा सवाई जय सिंह की बात हो रही, इन्होंने बेटा कहाँ किया था? उज्जैन में। कहाँ किया था? उज्जैन में। क्या? खगोली वेदशाला की जो स्थापित की। निम्नलिखित में से किस रियासत ने 1947 में पाकिस्तान में मिलने की घोषणा की थी लेकिन बाद में जनमत संग्रह के बाद इसे भारत में शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ा? वो रामपुर, जूनागढ़, फरीदकोट और पोरबंदर। रियासत की बात हो रही, वहां पर ऐसे कौन से रियासत यानी कौन से जो थे? वो गुजरात का बेटा जूनागढ़ जो रियासत थी, इन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के साथ मिलेंगे जाके, पर जनमत जो ज्यादा था भारत की तरफ था तो उनको भारत में मिलना पड़ा। फिर आगे, प्राचीन गणित पुस्तक गणित सार संग्रह द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा? भास्कराचार्य, महावीर आचार्य की बात है अलग अलग लिखे तो महावीर आचार्य, आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त। तो किनके द्वारा लिखी गई बेटा? महावीर आचार्य। ठीक, अब आगे अगले प्रश्न पे आते हैं। सूफी प्रसिद्ध संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश के किस जगह स्थित है? जौनपुर, कन्नौज, फतेहपुर सीकरी और बाराबंकी। तो बेटा फतेहपुर सीकरी में इनकी जो है दरगाह है। ठीक है, आगे, हॉकी दिग्गज मेजर ध्यानचंद जी का जन्म कहाँ हुआ था? हॉकी बेटा मतलब भारत का राष्ट्रीय खेल भी है और इनका जो जनक माने जाते हैं भारत के लिए बेटा कौन? मेजर ध्यानचंद हैं। और इनका जन्म की पूछा जा रहा है, कानपुर, लखनऊ, मेरठ और इलाहाबाद। कानपुर, लखनऊ, मेरठ और इलाहाबाद। तो इनका जन्म जो है कहाँ पर है? हाँ, कानपुर, लखनऊ, मेरठ और इलाहाबाद, तीनों से दे रखा जन्म इनका। हॉकी दिग्गज कौन है बेटा? मेजर ध्यानचंद, जैसा कि अभी कहा इनका जन्म हुआ था इलाहाबाद में। और ये किसके? हॉकी के बेटे जनक हैं, हॉकी के जनक। हॉकी क्या? राष्ट्रीय खेल भी है हमारे भारत देश का। आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था वो पूछा गया? अकबर, शाहजहां, औरंगजेब और दारा सिकोर। अकबर, शाहजहां, औरंगजेब और दारा सिकोर। तो मोती मस्जिद का जो निर्माण कराया था किसने? शाहजहां ने कराया था। महात्मा गांधी के प्रिय भजनों में से एक वैष्णो जन तो के रचयिता कौन है? सूरदास, मीराबाई, नरसिंह मेहता और ज्ञानेश्वर। नरसिंह मेहता और ज्ञानेश्वर। तो नरसिंह मेहता द्वारा लिखा गया था वैष्णो जन तो। ठीक है, अब आगे, किसने मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की? बिंबसार, चाणक्य, अशोक और अजातशत्रु। मगध की राजधानी को पाटलिपुत्र से स्थानांतरित कर दी थी। कहाँ? राजगृह से पाटलिपुत्र। मगध जो वर्तमान में क्या बेटा? किस नाम से? बिहार नाम से। बिंबसार, चाणक्य, अशोक और अजातशत्रु। तो बेटा ये सवाल है, इसके जो ऑप्शन आपको देंगे, बिंबसार, चाणक्य, अशोक और अजातशत्रु, ये सब के सब ऑप्शन ऐसे हैं कि जो जिसने की उनका नाम ही नहीं है। तो जो ये 2020 में आया था उस समय इस प्रश्न को छोड़ना ही उचित हुआ था, विभाग ने इसको गलत माना था। तो इसके जो सही जो जिसने किया था उनका नाम क्या है? उदयन। किसने किया था? उदयन ने ट्रांसफर किया था, जो कि इसमें नाम ही नहीं है। फिर अब आ गया 1662 ईस्वी में पुर्तगाल के राजा ने इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को कौन सा भारतीय तटीय शहर दहेज के तौर पर उपहार में दिया था? बेटा पुर्तगाल के राजा ने इंग्लैंड को, जैसे पुर्तगाल ने इंडिया का एक शहर दे दिया बेटा दान में, मुंबई, ऐसे दान में दिया कोई सामान हो, हाँ, शहर भी दान में दिए जा रहे थे। देखो
किस भारतीय दार्शनिक विचारक को 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में अपने संबोधन के लिए याद किया जाता है? वो नाम बेटा कौन कौन से? राजा नाम सॉरी नाम कौन कौन से? राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, सर्वपल्ली राधाकृष्ण और रामकृष्ण परमहंस। तो बेटा कौन है ये? स्वामी विवेकानंद। क्या है? स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद। अगला, भारतीय साहित्य में आरंभिक 20वीं शताब्दी के मुख्य हिंदुस्तानी लेखक धनपत राय को किस नाम से जाना जाता है? फिराक गोरखपुरी, अशोक वाजपेयी, मुंशी चंद्र, बंकिम चंद्र चटर्जी। तो इनको किस नाम से जाना जाता है ये पूछा जा रहा है, ठीक है? तो बेटा ये जो है धनपत राय को और किस नाम से? मुंशी प्रेमचंद के नाम से जाना जाता है। किसके? मुंशी प्रेमचंद के नाम से जाना है। अब चलते हैं बेटा अगले प्रश्न पे। अगला है, हरिवंश राय बच्चन को उनके किस काव्य संग्रह के लिए जाना जाता है? नजरुल गीति, गीतांजलि, गीतांजलि, राजत रंगेड़ी और मधुशाला। राजत रंगेड़ी और मधुशाला, उनके किस नाम से? बेटा इनकी मधुशाला नाम की जो इनकी काव्य रचना है बहुत फेमस है, इसीलिए ये हरिवंश राय बच्चन इतना जाने भी जाते, तब से इनकी रचनाओं को लेकर इनकी कविताएं बहुत फेमस प्रसिद्ध हो गई। आगे, निम्नलिखित में से किस संरचना को प्रथम युद्ध के दौरान अविभाजित भारतीय सेना के सैनिकों की युद्ध स्मृति में बनाया गया? गेटवे ऑफ इंडिया, इंडिया गेट, बुलंद दरवाजा, लाहौरी गेट, लाल किले का मुख्य द्वार। लाहौरी गेट कौन सा? लाल किले के मुख्य द्वार। और कब? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अविभाजित भारतीय सेना के सैनिकों की युद्ध स्मृति के लिए बनाया गया, ये पूछा जा रहा है। तो बेटा इंडिया गेट। क्या बेटा? इंडिया गेट उनकी स्मृति में बनाया गया, इंडिया गेट। किसकी आत्मकथा का शीर्षक गोल है? आत्मकथा के शीर्षक की बात हो रही, शीर्षक गोल। मेजर ध्यानचंद और बाईचुंग भूटिया, पेले और डेविड बेकम। तो शीर्षक उसकी आत्मकथा जो लिखी, उनके लिए बायोग्राफी जो लिखी गई, ये पूछा जा रहा कि वो गोल किसके लिए है। तो बेटा गोल शब्द से समझ में आ रहा किसी गेम से रिलेटेड है। तो गेम से रिलेटेड कौन है? मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद को कहा गया कि उनकी जो आत्मकथा की जो लिखी गई उसका एक शीर्षक गोल नाम दे दिया। अपनी कृति पृथ्वी राज रास्तों में पृथ्वी राज चौहान के वीरतापूर्ण कार्यों का उल्लेख किसने किया? जगनिक और चंद्र दरबाई, सॉरी चंद्र बरदाई और मतीराम और घनानंद। और क्या? घनानंद। तो ये जो चंद बरदाई हैं, इनके जो पृथ्वीराज रासों में इनकी वीरता का उल्लेख इन्होंने किया, ठीक है। अब आगे आते हैं बेटा अगले प्रश्न पे। अगला है, राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुआ? कानपुर, लखनऊ, झांसी और उन्नाव। तो मैथिली शरण गुप्त जी का जो जन्म है बेटा उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में हुआ। कहाँ हुआ? झांसी जिले में। मथुरा कला विद्यालय काल के दौरान अपने शीर्षक पर था। मथुरा कला विद्यालय काल के दौरान अपने शीर्षक पर था, वो क्या है? मौर्य, कुषाण, मुगल और सल्तनत। मतलब किस काल के दौरान मथुरा कला विद्यालय अपने शीर्ष पर था, सॉरी शीर्षक बोल दिया होगा मैंने, शीर्ष पर था। तो किस, क्या है? काल के दौरान, समय पूछा जा रहा है। तो बेटा कुषाण काल के दौरान अपने शीर्ष पर था। गुप्त काल का टेरोकोटा पक्की मिट्टी, टेरोकोटा मिट्टी का जो आज जिसे घड़े बनते हैं, मिट्टी की कुछ मूर्तियां बनती हैं, वो पक्की हुई मिट्टी को क्या बोला जाता था? टेरोकोटा, सिंधु सभ्यता की बात है। टेरोकोटा पक्की मिट्टी की ईंटों से बना भीतरगांव मंदिर उत्तर प्रदेश में स्थित है। उस जगह के नाम पूछा जा रहा है, चित्रकूट, कानपुर, गोरखपुर और वाराणसी। तो बेटा भीम बेटिका, सॉरी भीतरगांव, भीम बेटिका नहीं, भीतरगांव, भीम बेटिका तो मध्य प्रदेश पहुंच जाएंगे। भीतरगांव किसकी बात हो? भीतरगांव। भीतरगांव कहाँ पर है उत्तर प्रदेश के किस जिले में? कानपुर में। वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? ये है, यहाँ पर स्पेस होना चाहिए था, फिर से इस पर किसके द्वारा कराया गया? रानी अहिल्याबाई, हरिश्चंद्र और राजोनी सिंधिया और मोरोपंत पिंगल।
किनके द्वारा कराया गया? रानी अहिल्याबाई ने करवाया था बेटा विश्वनाथ मंदिर का निर्माण, कहां पर? वाराणसी में। अब आते हैं बेटा अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है ओके 82। फरुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण करवाया था बादशाह ने, कौन बादशाह बेटा? उनकी बात हो रही, अकबर, औरंगजेब, शाहजहां और जहांगीर। तो बेटा जो करवा फरुखाबाद नदी के तट पर जो कराया मुगल घाट का निर्माण, वो कौन है? औरंगजेब। क्या है? औरंगजेब। प्रसिद्ध सूफी संत, ठीक है, स्पेस के वार्षिक उर्स के अवसर पर हिंदू कैलेंडर के कार्तिक महीने में प्रतिवर्ष बाराबंकी में देवा मेला आयोजित किया जाता है। तो प्रसिद्ध सूफी संत, उनका नाम पूछ रहा है, कौन सा? निजामुद्दीन औलिया, वारिस अली शाह और मुइनुद्दीन चिश्ती और सलीम चिश्ती और सलीम चिश्ती। तो बेटा वारिस अली शाह जो हैं ये सूफी संत थे, इनके इनके उस वार्षिक मतलब इनके लिए बाराबंकी में प्रतिवर्ष जो है आयोजित होता क्या? देवा मेला, ठीक है, बाराबंकी में आयोजित किया जाता है। कौन कब होता है? कार्तिक महीने में, हिंदू कैलेंडर के कार्तिक महीने में किया जाता है। अब आगे अगला प्रश्न है, 17वीं सदी के दौरान इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय, ये बेटा द्वितीय लिखा हुआ है, आदिल शाह द्वितीय द्वारा लिखी गई कौन सी निम्नलिखित पुस्तक हिंदू देवताओं एवं मुस्लिम सूफियों के गुणगान से संबंधित गानों का संग्रहण है? ठीक है, सूफियों के गुणगान से संबंधित गानों का संग्रहण, एक कलेक्शन की बात हो रही है, गीत गोविंद, किताब ए बरस और पद्म सहनामा और क्या है? मुंतखब उज तवारिख। तो बेटा किताब ए बरस, क्या है? किताब ए बरस। अगला प्रश्न, कर्नाटक संगीत में अलापन, अलापना है, अलापना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत स्पेस के समान होता है, दो बार लिख गया है ये, दो बार के समान होता है, किसके समान होता है? तराना, ताल, अलाप और तिलाना, तराना, ताल, अलाप और तिलाना। तो ये अलापना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत किसके समान होता है, जिसे नाम ही आ गया यहाँ पे अलापना, तो बेटा किसके समान होता है? अलाप, अलाप के समान होता है। आगे नेक्स्ट है, पाल राजवंश के सर्वप्रथम राजा कौन थे? गोपाल, नंदलाल, धर्मपाल और देवपाल। गोपाल, नंदलाल, धर्मपाल और देवपाल। पाल लगा देखकर बेटा इन दोनों को टिक मत मार देना, दोनों ही गलत है। इसका क्या है? गोपाल। क्या है? गोपाल, ठीक है, कि गोपाल नाम से दिख रहा, बाकी धर्मपाल, देवपाल, इनमें पास अलग से पाल को अलग से चिपका दिया गया। क्यों क्यों लड़की पुस्तक के लेखक कौन है? महाश्वेता देवी, महाश्वेता देवी, रस्किन बांड, एनिड ब्लाइटन और ओलिविया फ्रेसर। तो क्यों क्यों लड़की के क्या पूछा जा? लेखक। बाकी तीनों नाम आपको अंग्रेजी नाम दिख रहा है तो यूं ही कट जाएंगे, अगर अंग्रेजी नाम हो तो टाइटल भी इंग्लिश होता। तो महाश्वेता देवी। भारत में अली बंधुओं शौकत एवं मोहम्मद अली ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? भारत छोड़ो आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, दिल्ली चलो आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन। तो बेटा इन लोगों ने, जो अली बंधुओं थे, इन लोगों ने क्या? खिलाफत आंदोलन को का नेतृत्व किया इन लोगों ने। हिंदू स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मोहनदास करमचंद गांधी। हिंदू स्वराज की बात हो रही, मोहनदास करमचंद गांधी। तो बेटा हिंदू स्वराज गांधी जी ने ही बुक लिखी थी, आगे क्या? गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, मौलाना आजाद, है बहुत फेमस किताब है गांधी जी की। अब आगे आते हैं नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, 6वीं सदी बीसी के दौरान उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों को छेदी कहा गया? छेदी बेटा, तो छेदी जो क्या है? महाजनपद की बात हो रही है, ठीक, बुंदेलखंड, अवध, अंग और अवंती। बुंदेलखंड, अवध, अंग और अवंती, 6वीं शताब्दी BC की बात हो रही। तो बुंदेलखंड का जो जिला, जो एरिया है, उसे क्या? छेदी या छेदी, दोनों नाम आपको कहीं कहीं आपको क्या नहीं मिल जाएगा? छेदी लिखा हुआ, ठीक है, ये सब सही है।
आप इस पर कंफ्यूज मत हुए। मौर्य राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? मौर्य राजवंश के अंतिम शासक बेटा अशोक, बिंदुसार, बृहद्रथ और पुष्यमित्र। बेटा मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक क्या है? बृहद्रथ। फिर प्राचीन भारत में, प्राचीन भारत में जमदनी ऋषि का आश्रम जमानियों में था, जमानियों में था, जो कि वर्तमान उत्तर प्रदेश के जिला में स्थित, उत्तर प्रदेश किस जिला में है ये पूछा जा रहा है, तो लखनऊ, गाजीपुर, वाराणसी और सीतापुर। बेटा उत्तर प्रदेश गाजीपुर में है। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के गाजीपुर। राजा हर्षवर्धन ने स्पेस में भद्र विहार नामक ज्ञान के एक वृहद केंद्र की स्थापना की थी। तो राजा हर्षवर्धन ने कहाँ पर किया? मथुरा, काशी, कन्नौज और हरिद्वार। मथुरा काशी कन्नौज और हरिद्वार। तो बेटा कहाँ किया इन्होंने? कन्नौज में किया था। किसने? राजा हर्षवर्धन ने भद्र विहार नामक ज्ञान के एक वृहद केंद्र की स्थापना। अब आते हैं अगले पेज पर। अगला है, उर्दू शायरी में फिराक गोखरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? द्वारिका प्रसाद, बिशन नारायण, रघुपति सहाय और नवल किशोर। बेटा सभी नाम हिंदू हैं, बट ये लोग उर्दू, उनमें से कोई एक है जो उर्दू शायरी बहुत करते थे, वो प्रसिद्ध है। ठीक है, तो बेटा वो कौन है? रघुपति सहाय। क्या नाम उनका बेटा? रघुपति सहाय, रघुपति सहाय नाम है। द बेटर इंडिया, द बेटर वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? किरण बेदी, एन आर नारायण मूर्ति, सुधा मूर्ति और शशि थरूर। द बेटर इंडिया, सॉरी ए बेटर इंडिया, ए बेटर वर्ल्ड की बात हो रही, ए बेटर इंडिया और ए बेटर वर्ल्ड की बात हुई है। जो पुस्तक है अभी हाल फिलहाल में ही लिखी गई है और ए आर नारायण मूर्ति द्वारा लिखी गई। अगला स्पेस है, एक रंग बिरंगा और मंत्र मुग्ध, रंग बिरंगा और मंत्र मुग्ध कर देने वाला मेला है जो प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश के मेरठ में होली के कुछ दिनों बाद मनाया जाता है। कुंभ मेला, बेटा कुंभ तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है, कुंभ, नौचंदी मेला, गंगा मेला, सिकरी मेला। तो नौचंदी मेला मेरठ में लगता है हमेशा होली के बाद, फागुन माह, ठीक, होली के बाद फागुन माह के आसपास। फिर अगला, छठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? छठी शताब्दी, फिर से वही बात, ये सब क्या 16 महाजनपदों में से एक हैं और मथुरा क्या, हाँ मथुरा के आसपास के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? सूरसेन, वर्तमान, वर्तमान मथुरा के नाम से जाना जाता है और उस समय क्या सूरसेन नाम से जगह को जाना जाता था। ये क्या था? 16 महाजनपदों में से एक जनपद है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। निम्न में से किस रोमानी काव्य लेखक को उनकी कृति मदनाष्टक के लिए जाना जाता है? रहीम मलिक, मोहम्मद जायसी, जिया उद्दीन बरनी और है सुल्तान फिरोज तुगलक। तो उनकी कृति क्या है? मदनाष्टक के लिए जाना जाता है। कौन वैसे रोमानी काव्य के लेखक हैं? किस रोमानी काव्य के? तो उनका नाम पूछा गया है। तो बेटा वो कौन है? रहीम। क्या नाम उनका? रहीम, बड़ा छोटा सा नाम है इनका। उत्तर प्रदेश में पहली बार 1887 में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार हिंदुस्तान के संस्थापक कौन थे? पहली बार प्रकाशित होने वाले 1887 में दैनिक समाचार, क्या नाम है? हिंदुस्तान। नाम क्या? हिंदुस्तान। कई चीजें थी इसमें, अगली बार हो सकता है इससे पूछे। 1887 में प्रकाशित होने वाला दैनिक समाचार का नाम क्या था? उस पत्र का नाम क्या था? क्या नाम बेटा? हिंदुस्तानी, या हिंदुस्तान, सॉरी हिंदुस्तानी बोल गया, या हिंदुस्तान जो पत्र प्रकाशित हुआ किस वर्ष हुआ? 1887 में। इस प्रकार से कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे। तो इसके संपादक बेटा कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, पद्म लाल पन्ना लाल बख्शी, मदन मोहन मालवीय और भारतेंदु हरिचंद। तो बेटा कौन है? मदन मोहन मालवीय जी इसके संपादक थे। अगला, निम्न में से अकबर के दरबार के मुख्य चित्रकार कौन थे? तो वो कौन है बेटा? मीर मुसव्विर, दोस्त मोहम्मद, दसवंत मीर सैयद अली। तो बेटा क्या नाम? दसवंत, क्या मीर मोहम्मद,
दोस्त मोहम्मद, दसवंत और मीर सैयद अली। तो बेटा कौन है ये? मीर सैयद अली। मीर सैयद अली अकबर के दरबार के मुख्य चित्रकार थे, मुख्य चित्रकार आर्टिस्ट, जो फोटो बनाए या कुछ भी करें, ऐसी कला इनके अंदर थी। अगला, फैजाबाद के एक प्रमुख संगीतकार थे जिन्होंने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया। किस शैली का बेटा? टप्पा शैली। ये 2020 के आसपास समकालीन ही टप्पा शैली यूपीएससी के एग्जाम में भी पूछा गया था बेटा, ठीक है? तो बहुत इंपॉर्टेंट शैली है टप्पा शैली। तो अब फैजाबाद के प्रमुख संगीतकार थे जिन्होंने शास्त्रीय संगीत की टप्पा शैली का विकास किया। कौन है? मुस्तरी भाई और खुशी महाराज, मेहंदी खान और ठाकुर प्रसाद, और ठाकुर मेहंदी खान। तो किसने विकास किया था बेटा? मेहंदी खान ने। किसका किया? टप्पा शैली का। ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अब आते हैं अगले पेज पर। अगला है, 1825 में वेदांता कॉलेज की स्थापना किसने की जिसमें दो भारतीय अध्ययन और पश्चात सामाजिक और भौतिक विज्ञान पाठ्यक्रम प्रस्तुत किया गया, ठीक है? तो 1825 में वेदांता कॉलेज, अरविंद घोष, राम मोहन राय, ईश्वर चंद विद्यासागर और स्वामी विवेकानंद। किसने किया बेटा? राम मोहन राय। किसने किया था? राम मोहन राय। फिर अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश को पहले सीलोन कहा जाता था? सीलोन देश का नाम तो जो वर्तमान में बदल चुका है, और मालदीव, श्रीलंका, मॉरिशस, सिटी और सूरीनाम। तो श्रीलंका को बेटा पहले क्या कहते थे? सीलोन। श्रीलंका को सीलोन। अशोक स्तंभ में उत्कीर्ण किए हुए शेर का मुख जिससे भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया, जिससे क्या? जिसको होना चाहिए, जिसको, ठीक है, अपनाया गया है। अब स्पेस के संग्रहालय में संरक्षित कहाँ? कुशीनगर, सारनाथ, कन्नौज और लुम्बिनी। मतलब कहाँ के संग्रहालय में स्थित बेटा? सारनाथ के। कहाँ से? सारनाथ के। सत्यमेव जयते भी यहाँ से मंडूको उपनिषद सारनाथ से है। अब आगे नेक्स्ट है, चंदेल शासन के दौरान उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जीजक मुक्ति या जय होटी के नाम से जाना जाता था? अवध, बुंदेलखंड, काशी और दो आप। चंदेल शासन के दौरान की बात हो रही बेटा, किसके? चंदेल शासन। तो बेटा कौन सा एरिया था वो? बुंदेलखंड, ठीक। उत्तर प्रदेश को महिलाओं से संबंधित पहली पत्रिका 1874 में प्रकाशित करने का भी श्रेय नाम आएगा जाता है जिसके संपादक भारतेंद्र हरिश्चंद्र थे। किसका? बाल बोधिनी, सरस्वती और सितारे हिंद और उदंत मार्तंड। तो इनमें से किस प्रकाशित पत्रिका को नाम जाता है जिसके जिसके प्रकाशक कौन बेटा? भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो ये बाल बोधिनी। क्या है? बाल बोधिनी। प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खान उत्तर प्रदेश के यहाँ स्पेस यानी किस जिले से संबंधित थे? एटा, इटावा, औरैया और फिरोजाबाद। एटा, इटावा, औरैया और फिरोजाबाद। तो बेटा कहाँ संबंधित थे? इटावा से। कहाँ से? इटावा से। कौन है? नवाब इनायत खान। नवाब इनायत खान तो है क्या? सितार वादक है बेटा, ध्यान रखना, सितार वादक, प्रसिद्ध सितार वादक। आगे, तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित की गई? तीसरी बौद्ध परिषद यांगून यानी यांगून, पाटलिपुत्र, वैशाली और राजगिरी। तो कहाँ किया गया बेटा? तीसरी पाटलिपुत्र में किया गया। कहाँ पर? पाटलिपुत्र। अब चलते हैं अगले पेज पर, नेक्स्ट। अगला पेज है, ठीक है, ओके, 108 तक हो गया था, अब चलते हैं 109 पर। चेम्मा चेरी कुनहीरमड़ नायर निम्नलिखित में से किस नृत्य के रूप में उल्लेखनीय नर्तक है? कथकली नाम है जो एक नृत्य करते हैं, और ये कौन सा नृत्य करते हैं उसको देखना है, ठीक है? तो कथकली, मोहिनीअट्टम, भरतनाट्यम और यक्षगान। और क्या बेटा? यक्षगान। तो ये सब के सब बेटा क्या है? कथकली। कथकली की कलाकार है, कथकली के, कथकली गलत लिखा है, उसे कथकली होता है बेटा, कथकली है, ठीक है? और आगरा और
अवध सॉरी अवध के संयुक्त प्रांत जिन्हें अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। स्पेस ने वर्ष 1921 में अपनी राजधानी को लखनऊ में स्थानांतरित किया था, किया होना चाहिए था, ठीक है, स्थानांतरित किया था। आगरा, देहरादून, इलाहाबाद और कानपुर, तो किसने किया था? आगरा, देहरादून, इलाहाबाद और कानपुर, तो इलाहाबाद ने किया था बेटा, इलाहाबाद ने किया था, ठीक है, जिन्हें अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। अब आगे, गौतम बुद्ध की मां देवदह राज्य के शासक परिवार से थी जो अब उत्तर प्रदेश के जिले में है। देवरिया बंद हो गया। तो अब यह पूछा जा रहा कि जो भगवान गौतम बुद्ध की जो माँ है देवदह राज्य के शासक परिवार से थी और अब उत्तर प्रदेश के किस जिले में? बेटा देवरिया। क्या, किस जिले में? देवरिया, ठीक। वाल्मीकि का आश्रय ब्रह्मावर्त में था जो वर्तमान में कहाँ है? ब्रह्मावर्त तो वर्तमान में कहाँ है? उसे क्या पूछा रहा? उस जिले की या जगह का नाम पूछा जा रहा है, बिठूर, झांसी, ललितपुर, उरई। तो बिठूर कानपुर के, बेटा बिठूर में वाल्मीकि आश्रम, कहाँ? कानपुर के बिठूर में वाल्मीकि आश्रम है। अब चलते हैं अगले सवाल पे, अगले प्रश्न पे, अगला जो प्रश्न है, ठीक है। पहली जनवरी 1845 को उत्तर प्रदेश ने स्पेस नामक पहला हिंदी समाचार पत्र निकाला जिसे गोविंद रघुनाथ ने संपादित किया था। पहला पत्र हिंदी समाचार उत्तर प्रदेश द्वारा प्रकाशित किया गया, तो बेटा संपादित किया था उत्तर प्रदेश, उसका नाम क्या था? गजल। क्या था? गजल। जौनपुर के सारकी शासक सुल्तान हुसैन सारकी एक महान संगीतकार थे और उनके तर्ज पर एक बड़ा ख्याल विकसित किया, एक बड़ा ख्याल विकसित किया था। क्या है? तुमरी, बनारस, अखबार, कव्वाली और जागरण। तो वो जो क्या है उसका नाम पूछा था, क्या विकसित किया, ठीक है। तो जौनपुर के शासक सुल्तान हुसैन सारकी, नाम क्या? सुल्तान हुसैन सारकी एक महान संगीतकार थे, उन्होंने किसकी तर्ज पर, ये है ना, उन्होंने के तर्ज पर, यहाँ पर स्पेस, उन्होंने के तर्ज पर एक बड़ा ख्याल विकसित किया, वो क्या है? थुमरी, बनारस अखबार, कव्वाली और जागरण, इस प्रकार से बात। तो थुमरी, उन्होंने थुमरी के तर्ज पर, थुमरी के तर्ज पर। फिर अगला है, भेड़ कुंड जहाँ अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली को निशाना बनाया था उत्तर प्रदेश के किस जिले में? इटावा, फिरोजाबाद, फरुखाबाद और बाराबंकी। तो वो जगह क्या है बेटा? फरुखाबाद। क्या है बेटा? फरुखाबाद, उत्तर प्रदेश के फरुखाबाद जिले। अब आगे आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध संगीतकार अरविंद पारिक किस संगीत वाद्य यंत्र के साथ जुड़े हुए हैं? तबला, सितार, बांसुरी और सहनाई। तबला, सितार, बांसुरी और सहनाई। तो बेटा अरविंद पारिक जो है सितार के बहुत अच्छे कलाकार हैं, ठीक है। अब आगे, निम्नलिखित में से किस भारतीय निम्नलिखित में किस प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका को उसके शिष्यों द्वारा प्यार से अप्पा जी, क्या नाम बेटा? अप्पा जी बुलाया जाता है? गिरजा देवी प्रसाद, किशोरी आमोनकर और वसुंधरा कोमकाली और हीराबाई बडोकर, किनको बेटा अप्पा जी कहा जाता है? ये तो वो क्या नाम उनका बेटा? गिरजा देवी प्रसाद जी को क्या अप्पा जी उनको बड़ा प्रेम से उनको इस नाम से बुलाते हैं। फिर आगे आता है, निम्नलिखित में से कौन से सिख गुरु 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की थी? खालसा निष्ठावान समुदाय है जिसमें अपने विश्वास के दृश्य प्रतीकों को पहनते और योद्धाओं की तरह प्रशिक्षित हुआ। क्या लिखा हुआ? दृश्य प्रतीकों को पहनते, थोड़ा सा मिस्टेक सब शब्द लग रहा, कोई बात नहीं। फिर अच्छा, योद्धाओं की तरह प्रशिक्षित हुआ, उसको पूछा जा रहा है। तो बेटा क्या है नाम? गुरु तेग बहादुर, गुरु हर गोविंद, गुरु हर कृष्ण और गुरु गोविंद सिंह। तो बेटा गुरु गोविंद सिंह जो है
इसकी स्थापना की थी, ठीक है, कब? 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह। बस इतना इसका इंपॉर्टेंट लाइन है। फिर अगला लाइन है, अगला प्रश्न यानी किस सिख गुरु ने सिख विवाह समारोह की शुरुआत आनंद कारज के नाम से की थी? आनंद कारज के नाम से किस सिख गुरु के नाम पूछा जा रहा है? तो बेटा श्री गुरु नानक देव, श्री गुरु अमरदास, श्री गुरु गोविंद सिंह, श्री गुरु रामदास। तो बेटा रामदास, श्री गुरु रामदास ने किया था क्या? आनंद कारज नाम से समारोह की शुरुआत, सिख विवाह समारोह जो होता है उसका। 116 नंबर, फिर से आगे गलत हो गया ये तो। उस ब्रिटिश गवर्नर जनरल का नाम बताएं जिन्होंने भारत में रेलवे का शुभ आरंभ किया। तो बेटा रेलवे का शुभ आरंभ 1853 कब हुआ बेटा? 1853 में। उस समय गवर्नर कौन था? लॉर्ड ऑकलैंड, सर चार्ल्स मेटकाफ, लॉर्ड हेस्टिंग, ठीक, और लॉर्ड डलहौजी। तो उस समय कौन गवर्नर थे बेटा? लॉर्ड डलहौजी थे। 1853 की बात हो रही। बाद में पहली जो रेलवे चली थी कब चली थी? कमेंट में बताएं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं अगले उस पर, ये हम लोग कर चुके हैं। ओके, फिर है, ठीक है, ओके। एक पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता ने दशाश्वेध, ठीक है, दशाश्वेध, सॉरी स्वेध घाट पर किए जाने वाला दशाश्वमेघ यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी? भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्म, भगवान शिव और देवी काली, ठीक है। अब किसकी बात हो रही बेटा? किस देवता ने बलि दी की बात? तो बेटा भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्म, भगवान शिव और भगवान देवी काली। तो बेटा कौन है? भगवान ब्रह्म ने 10 घोड़ों की बलि दी, ठीक है। अगला है, हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई आखिरी किताब का नाम बताइए। तो 1 नवंबर 1984 ऐसा उन्होंने अपनी अंतिम किताब में फिलहाल लिखा था। फिर बाकी ये तो ऑप्शन सब गलत है, यहीं से आप लेते हैं 1 नवंबर 1984। फिर है, महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में स्थित है, ठीक है, ब्रह्मावर्त होना चाहिए बेटा, ब्रह्मावर्त में स्थित है। तो बड़ा कहीं कहीं गलती है, ब्रह्मावर्त, ठीक है, ब्रह्मावर्त में स्थित है, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के, ब्रह्मावर्त बेटा उत्तर प्रदेश के कहाँ पर है? कानपुर जिले के पिठूर जगह पर, कानपुर जिले के पिठूर जगह पर। सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ? कौन है बेटा सूफी कवि? बुलंदशहर, अलीगढ़, एटा और फैजाबाद। तो इनका एटा में हुआ बेटा जन्म, कहाँ हुआ? एटा में। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने इसमें, हाँ ये लास्ट ठीक होगा लग रहा है, ठीक है, अंतिम प्रश्न था और 124 प्रश्न इतिहास के हम लोगों ने हल किए, ठीक है। इन प्रश्नों के उत्तर जान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको कई बार क्या अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। इनके पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड आप लोग कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, फिर से कुछ अलग सब्जेक्ट के कुछ प्रश्नों के कलेक्शन के साथ। तब तक के लिए आराम से पढ़ाई करिए, सबको बेस्ट ऑफ लक एग्जाम्स के लिए, खुश रहिए, मजे में रहिए। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं, नमस्कार।